तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भी सीखना चाहते हैं अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट करना, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना। एंड आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड साथ में आपको जो एक बेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे ऑल पे सेट करो ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ, उसके बाद आपको जो अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो एक पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको जो इस पर टैप कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी पेज होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जिस भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं जस्ट आपको जो उस पेज को टैप कर देना है। तो मैं यहाँ पे पे टैप कर देता हूं। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पे टैप करोगे तो आपको जो है नीचे में एक स्विच बटन देखने को मिल रहा होगा, जस्ट आपको जो इस स्विच बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस स्विच बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर में अगेन इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो नीचे की तरफ में आना है, एंड नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, जस्ट आपको इस पे टैप कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको इस पे टैप कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो पेज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड उसके बाद आपको जो नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, एंड नीचे की तरफ में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, जस्ट आपको जो इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर में एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, जस्ट आपको जो इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट आपको डीएक्टिवेट पेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड सेकेंड आपको जो है डिलीट पेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जस्ट आपको जो है डिलीट पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जो नीचे में कंटिन्यू बटन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको जो इस पर टैप कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पे जो है फेसबुक आपसे एक रीजन पूछेगी कि भाई आप लोग जो अपने पेज को क्यों डिलीट करना चाहते हो। तो भाई यहां पे आप चाहो तो कोई भी एक रीजन दे सकते हो। अगर आप लोग कोई भी रीजन नहीं देना चाहते तो जस्ट आपको जो नीचे में कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहां पे सबसे ऊपर में हाईलाइट करके लिखा हुआ मिल जाएगा परमानेंटली डिलीट पेज। एंड उसके बाद आपको जो है नीचे की तरफ में आना है, एंड नीचे की तरफ में आने के बाद आपको जो एक ब्लू कलर में कंटिन्यू बटन देखने को मिल रहा होगा, जस्ट आपको जो इस बटन पे टैप कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस बटन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड डालना है, एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको जो अपने फेसबुक अकाउंट का डालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इस अकाउंट का पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो इस अकाउंट का पासवर्ड फिल कर दिया है। जस्ट आपको भी इसी तरह से अपने अकाउंट का पासवर्ड फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो नीचे में कंटिन्यू बटन देखने को मिल रहा है, जस्ट आपको जो इस पे टैप कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा कन्फर्म डिलीटेशन, मतलब आप लोग जो अपने पेज को डिलीट करने के लिए कन्फर्म हो या नहीं हो। अगर आप लोग जो कन्फर्म हो एंड आप लोग चाहते हैं आपका जो पेज है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो जस्ट आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू बटन देखने को मिल रहा है जस्ट आपको इस पे टैप कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो इस पे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिलीट दिस पेज, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, डिलीट पेज पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग जो डिलीट पेज वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, एंड उसके बाद आपका जो पेज है वो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस आपको यही चीज़ बताना चाहता था। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने फेसबुक पेज को इजीली डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में।